हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन इनिस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग पार्ट्स एंड होल्स दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर फिफ्थ मैथमेटिक्स एन एंड टुडे इज आवर सिक्स नंबर लेक्चर ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को तो स्टूडेंट देखिए पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप्स लुक एट द पिक्चर राइट वॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस राइट द पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ ईच कलर आपको ईच कलर जो है यहां पर हमें लिखना है ओके सो हाउ मेनी वन फोर्थ विल मेक अ हाफ यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा हाउ मेनी वन फोर्थ विल मेक अ हाफ तो उससे पहले हम यहां पर जो पोर्शन है यहां पर लिख लेते हैं देखिये सो so यहां पर देखिये ग्रीन कलर में मतलब देखिये उन्होंने क्या पूछा है सो राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रीप इज ईच ग्रीन पीस राइट द पार्ट ऑफ पीस ऑफ ईच कलर ओके इस ईच कलर का आपको यहां पर लिखना है देखिए यहां पर वन एंड टू है तो ये दो कलर है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू हो जाएगी देखिए आपको स्ट्रिप मिल रही है यहां पर देखिए ऐसे सिक्स स्ट्रिप आ रही है ये तो यहां पर हाफ एंड हाफ हो जाएगी देन आफ्टर देखिए यहाँ पर ये कलर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉन एट 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 वन अपन एट ओके देन देखिए ये जो क्या हो जाएगा वन अपन फोर ये आता है one upon four तो मैं पर ये पूरा यहां पर वन हो जाएगा ठीक है सो हाउ मेनी वन फोर्थ विल मेक अ हाफ ओके यहां पर हाउ मेनी वन फोर्थ विल मेक अ हाफ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओके okay, तो मतलब यहाँ पर टू स्ट्रिप देखिए वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ मतलब यहाँ पर टू स्ट्रिप्स यहाँ पर हाफ हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू ओके टू यहाँ पर इसका आंसर आपको बन जाएगा सो so इसका मतलब देखिए हाउ मेनी वन फोर्थ तो वन फोर्थ कितने यहाँ पर टू वन फोर्थ हमें चाहिए सो so, यहाँ पर ये यह दोनों भी मिलके यहाँ पर 1/2 बन जाएगा ओके हाफ पोर्शन यहाँ पर बन जाए देखिए 1/4 1/4 यहाँ पर हाफ बनता है ओके सो हाउ मेनी 1/8 मतलब 1/8 पोर्शन विल मेक 1/4 देखिए कितने बन रहे हैं यहां पर 1/8 यहाँ पर 2 बन रहे हैं 1/4 तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका मतलब देखिए वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट वी गेट वन अपॉन फोर्थ ओके सो हाउ मेनी वन अपॉन एट आर गेट इन वन अपॉन टू मतलब देखिए वन अपॉन एट कितने बन रहे हाफ में तो यहां पर टोटल फोर बन रहे तो इसका मतलब वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट प्लस वन अपोनेट इज इक्वल टू हाफ आ रहा है फोर कितनेट यहाँ पर टोटल हाफ यहाँ पर, मतलब पर बन रहे ओके सो नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसके बेस आप यहाँ पर आपके फ्रेंड के लिए कुछ भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हो ओके आई थिंक ये क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ चुके होंगे तो चलते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ सो स्टूडेंट देखिए अभी पैटर्न ये so yes, आपको दिख रहा है yes. so इनमें से कौन सा पार्ट यहाँ पर एंड कितना पार्ट यहाँ पर ब्लू में कलर है आप यहाँ पर बता सकते हैं वॉट इज ग्रीन इनमें से कितना पार्ट यहाँ पर ग्रीन में यहाँ पर कलर क्या है आप यहाँ पर बता सकते हो सो so अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगर इसे ये जो स्क्वेर इसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, देखिए सो so, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर फोर पार्ट्स यहाँ पर फोर पार्ट्स ये हो जाएंगे फोर पार्ट्स ओके एंड यहाँ पर आ जाएंगे फोर पार्ट्स ओके तो टोटल स्क्वेयर्स कितने आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टी नाइन सिक्सटीन तो टोटल सिक्सटीन स्क्वेयर्स यहाँ पर आ गए इनमें से कितने ब्लू है तो टू अपॉन सिक्सटीन यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी हमने देखा ये वन एट भी यहाँ पर हो सकता है ओके क्योंकि वन एट ज इक्वल टू टू सिक्सटीन होता है प्रीवियसली प्रॉब्लम में देखा था ठीक है तो अब यहाँ पर टू सिक्स भी इसमें सो वॉट ग्रीन कितना सो पजल इज इट इक्वल देखिए अमीनी सेन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर आर इक्वल ओके हाफ ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर Are equal, do you agree? आप इससे एग्री हो उसने क्या कहा है हाफ ऑफ हाफ ओके मतलब हाफ का भी हाफ ओके okay? मतलब देखिए पर एक मैंने स्क्वायर देखिए पर हमने स्क्वायर डिवाइड कर दिया ओके okay? इसे हाफ में डिवाइड किया अगेन जो हाफ ये जो ऊपर वाला पोर्शन देखिए मैं इसे हटा देता हूँ ये ऊपर वाला पोर्शन हाफ में हो जाएगा अभी इसे फिर से हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये येलो वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा हमारा आंसर ओके okay? तो ये क्या है सो ये थ्री क्वार्टर थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर्स देखिए वन टू एंड थ्री थ्री क्वार्टर्स वन थर्ड ऑफ वन थर्ड ऑफ उन्होंने पूछा है ओके आर इक्वल है क्या नहीं आपको ये खुद से आंसर ट्राई करना देखिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ आप पर क्लू दे दिया है आप इसका आंसर खुद से ट्राई करेंगे ओके okay? So next one पर देखिए फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द होल ओके सो ओके सो वन फिफ्थ का है इसका मतलब यहां पर टोटल कितने पिटल्स आ जाएंगे तो यहां पर फाइव आ जाएंगे सो so यहाँ पर देखिए और एक मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर और एक मैंने ड्रॉ कर दिया थ्री हो गए यहां पर टू आ जाएंगे यहां पर, पर, पर और एक मतलब ये फाइव हो गए करेक्ट सो स्टूडेंट देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या है सेकंड क्वेश्चन द पिक्चर शोज इज वन थर्ड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन यहाँ पर देखिए वन थर्ड उन्होंने यहाँ पर शो किया है कंप्लीट द पिक्चर आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर यहाँ पर कंप्लीट करनी है तो हम मान के चलिए सर्कुलर रोटर आ जाएगा एंड यहाँ पर ये वन थर्ड का है मतलब यहाँ पर टोटल कितने पार्ट है थ्री पार्ट है तो यहाँ पर वन टू एंड यहाँ पर आ जाएगा ये थर्ड पार्ट ठीक है सो वन टू एंड थ्री ब्लेड्स यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है आप इसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं आपको ये खुद से ट्राई करना है हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर ओके हाफ पोर्शन उन्होंने शो किया है मतलब अगर ये हाफ है तो अनदर हाफ भी यहां पर जो इक्वल पार्ट से यहां पर टू ही आ जाएंगे तो यहां पर कितने आने वाले है? तो यहां पर वन एंड यहां पर टू आ जाएगा ठीक है आई बात समझ में

सो इज़ फिफ्टी पैसे हाफ ऑफ वन रुपीज़ क्या ये फिफ्टी पैसे हाफ है वन रुपी के येस yes, यहाँ पर आपका आंसर यस बनेगा सो हाउ मेनी ट्वेंटी फाइव विल मेक वन रुपी ओके okay, अब ऑलरेडी हमें पता है वन रुपी इज इक्वल टू क्या होता है वन रुपी इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे होते हैं ठीक है सो so 25 फाइव के ऐसे कितने 100 पैसे हो जाए तो यहां पर फोर हमें 25 पैसे हमें चाहिए उसका जो डॉलर्स यहाँ पर कॉइन है हमें कितने चाहिए फोर चाहिए ओके सो हाउ मेनी 25 फाइव विल मेक वन रुपए तो यहां पर फोर ऐसे मिला के यहां पर वन रुपी हो जाएगा ओके सो ट्वेंटी पैसे इज़ डैश डैश पार्ट ऑफ़ ओके okay? कितना पार्ट यहां पर तो ये हो जाएगा अगर हम यहां पर जैसे तो फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा वन फोर्थ पार्ट ऑफ वन रुपी ट्वेंटी पैसे इज ओके okay? अभी देखिए ट्वेंटी पैसे तो 20 पैसे को यहाँ पर कितना हो जाएगा तो हमें चाहिए टोटल फाइव कॉइन्स ऑफ 20 पैसे तो यहाँ पर वन रुपीज हो जाएगा इसका मतलब 20 पैसे इज वन फिफ्थ पार्ट ऑफ वन रुपी सो हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक वन रुपी तो 10 पैसे मतलब यहाँ पर 10 कॉइन हमें चाहिए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन सो टेन पैसे इज वन टेंथ पार्ट ऑफ वन रूपी ओके क्या हो जाएगा यहाँ पर वन टेंथ पार्ट ऑफ वन रुपी यहाँ पर कहलाएगा आई थिंक ये एक्टिविटी आपको समझ में आ चुकी होगी तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर जो कंसेप्ट है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिए ओके अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब ये जो असाइनमेंट है अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी आपने खुद से ट्राई किया है और आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने ये जो पार्ट कंसेप्ट है ओके पार्ट कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ओके okay? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फिर से ये एक्टिविटी आप दोहराइए तो आपको यहाँ पर आंसर अच्छी तरीके से मिल जाएगा ओके सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू